सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा आना चाहिए 7.5 इंच। तो यहाँ से हम इसको सिलाई का छोड़ने के बाद, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में, ऑनलाइन टेलरिंग क्लास के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 32 चेस्ट के हिसाब से एक सूट का कटिंग, जिसमें हमारा पीछे का गला है वो 7 इंच डीप रहेगा। तो इसका मेजरमेंट आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा होगा, तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है वो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक मार्किंग लगा दिया हुआ है, तो इस तरीके से एक मार्किंग हमें लगा देना है सबसे पहले। और उसके बाद देखिए कपड़ा हम किस तरीके से बिछाएंगे। अगर आपका कोई भी कपड़ा रहेगा, शूट का कपड़ा जिसमें हमारा बॉर्डर दिया हुआ रहेगा, या फिर आप कौन सी साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए और कपड़ा किस तरीके से बिछाएंगे, इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने फुल डिटेल्स में बताया हुआ है कि कौन सी साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए और कपड़ा किस तरीके से बिछाएंगे। ये जो हमारा है वो नॉर्मल अस्तर का कपड़ा है, जिसमें हमारा ये हमारा आगे का और ये जो हमारा है वो पीछे का कपड़ा है, पीछे का पार्ट है। चारों पन्ना हमारा एक साथ ही कटिंग होएगा यहाँ पर। तो देखिए इतना हमारा हो जाने के बाद अभी यहाँ पर हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो इसके बाद पहले मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो हमारा पीछे का गला है वो है करीबन 7 इंच। अगर यही साइज़ में हमारा पीछे का गला बंद रहता तो हम किस तरीके से कटिंग करते हैं, ये वाला कटिंग और वो वाला कटिंग हमारा अलग अलग हो जाता है। ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो यही माप से हमारा अगर पीछे 4 इंच गला होता तो हम किस तरीके से कटिंग करते थे, तो उसके लिए आप हमारे दूसरी चैनल हर्षिता ब्यूटिक पर जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमारा 4 इंच गला रहेगा तो हमारा किस तरीके से कटिंग करता होता है वो भी मैंने बताया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका आर्म होल का मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा पीछे गला 7 इंच है तो आर्म होल का मार्किंग आएगा हमारा करीबन 6 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर कमर का 14 इंच पर मार्किंग करेंगे, और तीसरा मार्किंग हम करेंगे 20 इंच पर। ये जो हमारा आएगा वो हिप्स का मार्किंग आएगा। ये हमें तीनों मार्किंग जब हम नाप लेते हैं तभी हमें देख लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो ये जो साइज में है वो इतना ही आता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए यहां पर 9.5 इंच पर इसका फुल चेस्ट आएगा, तो फुल चेस्ट का भी मार्किंग आपको कर देना है। ये इतना मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम स्ट्रेट मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको मार्किंग कर दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसकी, सबसे पहले हमें देखना है इसकी चेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पीछे गला है वो 7 इंच है, और ये जो हमारा है वो बॉडी मेजरमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 32 इंच इसकी चेस्ट है, तो इसमें हमें 3 इंच का लूजिंग देना है, तो ये हमारा हो जाए करीबन 35 इंच। ये जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है इसके लिए हमें इसमें लूजिंग देना पड़ता है। अगर आपका आपने अपने सूट से नाप लिया तो आप कुछ भी लूजिंग मत दीजिए, ऐसे ही मार्किंग कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी मेजरमेंट है तो यहाँ पे हमें 3 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 33। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35 इंच। देखिए 35 को हमारे 4 पल्ला है तो हमें इसको 4th के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा करीबन आएगा 7.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से 7.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट कमर देखते हैं। तो देखिए इसकी जो हमारी कमर है वो है करीबन 28 इंच है, तो देखिए 28 इंच है तो हमें यहाँ पर भी 3 इंच का लूजिंग देना है, तो यहाँ पे हम ये हमारा हो जाएगा 31 इंच। तो 31 को हम 4th के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन आएगा 7.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखने के बाद 7.5 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे। ये वाला मार्किंग हमारा लग जाने के बाद अभी हम इसकी हिप देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी हिप थी वो थी 33 इंच। देखिए यहाँ पर हम जो लूजिंग देंगे वो सिर्फ 1 इंच का ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कट आने के बाद ये हमारा ओपन हो जाता है, इसके लिए हमें ज़्यादा लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 34 इंच होएगा, तो उसको हम 4th के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा करीबन 8.5 इंच। तो एक मार्किंग हम इस तरीके से 8.5 इंच पर लगा देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फुल चेस्ट का नाप लिया है, तो यहाँ पर जो हमारी फुल चेस्ट आपकी है, समझ लीजिए कि यहाँ पर जो फुल चेस्ट है वो है 33 इंच। तो देखिए 33 को हमें आपके जितने भी रहेगी उसमें हमें सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग देना है, तो ये हमारी हो जाएगी 34 इंच। 34 को हम 4th के साथ डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा करीबन आएगा 8.5 इंच। तो एक मार्किंग हम इस तरीके से 8.5 इंच पर ऐसे लगा देंगे। और ये वाला हमारा मार्किंग लगा देने के बाद अभी हम इसको मिलाएंगे। अगर यहाँ पे आप फुट्टे की मदद से मिलाना चाहते हैं तो भी आप मिला सकते हैं, अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेब पट्टी की मदद से भी इस तरीके से मिला सकते हो। अगर फुट्टे से आपको जमता है तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, और फिर ये जो हमारा है वो ऐसे मार्किंग, और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये तो हमारा हो गया इस तरीके से। देखिए अभी यहाँ पे ये हमारा अगर
इस तरीके से ज़्यादा आता तो यहाँ पे ये हमारी चेस्ट जो फुल चेस्ट है वो फिट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये वाला हमारा मार्किंग यहाँ पे आया तो हमें इतना एक्स्ट्रा ओवर मार्किंग करना कर देना पड़ता था, और यहाँ पे देखिए इस ये साइज़ में हमें 3.5 इंच इस तरीके से एक मार्किंग करना पड़ता था, और यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच पर मार्किंग पूरे में करना पड़ता था। और देखिए यहाँ पे हमारा आता था एक टक्स, यह जो हमारा टक्स है वो पीछे की तरफ आता था, ये बात आप खास ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें हमारा वो पीछे टक्स नहीं है। अभी ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद अभी कस्टमर ने बोला है तो आप कट का नाप भी ले सकते हैं, अगर नहीं बोला है तो देखिए यहाँ पे फुल अगर स्ट्रेट नाप नापने को बोला है तो यहाँ पर हमारा 8.5 आया था, तो जहाँ पर आपकी लेंथ है वहाँ से हमें उसमें हमें 0.5 इंच प्लस कर देना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 इंच, तो 9, और फिर हम यहाँ से इसको इस तरीके से सीधा मिला देंगे। अभी हम देखेंगे इसका शोल्डर, तो देखिए इसका जो हमारा शोल्डर है वो है करीबन 14 इंच, लेकिन यहाँ पे हमें जो शोल्डर रखना है वो करीबन रखना है 11 इंच, तो 11 का आधा होता है 5.5 इंच, तो एक मार्किंग हम 5.5 इंच पर कर देंगे, और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर देना है, और उसके बाद यहाँ से हमें करीबन 2.75 इंच पर ये जो हमारा ब्रॉडनेस होता है वो गले के हिसाब से अलग अलग कस्टमर के हिसाब से भी हो सकता है। और ये वाला हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट ना रखते हुए हल्का सा ऐसे क्रॉस में और एक मार्किंग करेंगे, और फिर यहाँ पर हम इसका आर्म होल का शेप देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और हम यहाँ से आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक लाइक ज़रूर। और ये हमारा शेप देने के बाद देखिए यहाँ से हमें इसको हल्का सा इस तरीके से क्रॉस में एक मार्किंग कर देना है, और ये जो हमारा मार्किंग करना है वो 0.5 इंच का नहीं, सिर्फ हल्का सा ही ऐसे क्रॉस आएगा, ये बात भी आप खास ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका नापेंगे आर्म होल, तो इसका जो हमारा आर्म होल आया था वो 15 इंच आया था, देखिए यहाँ पे हमें 15 इंच आया था इसका आर्म होल, तो यहाँ पे हमारी ये दो साइड होएगी, तो ये हमारी हो जाएगी करीबन 7.5 इंच। देखिए यहाँ से हम इसको सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा आना चाहिए 7.5 इंच, तो यहाँ से हम इसको सिलाई का छोड़ने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से नापेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा 7.5 परफेक्ट आया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी फिट आया होता तो ये हमारा नहीं चलता, ये बात भी आप खास ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे ये हमारा 7.5 की बजाय 7 इंच आया तो इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से और नीचे करना पड़ता, अगर यहाँ पे हमारा 8 आता था तो यहाँ पे हम इसको ऊपर करना पड़ता था। इसके लिए आप हमारा आर्म होल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने फुल डिटेल्स में बताया हुआ है कि कौन सी साइज़ में हमें कितना चाहिए और किस तरीके से चाहिए, ये भी बात आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया, अभी यहाँ से हम इसका गला कटिंग करेंगे। तो देखिए गले के लिए आप हमारा कैनवास वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे जो हम कटिंग करेंगे वो कैनवास में कटिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कट अभी के लिए सिर्फ कट ही लगाएंगे, ये भी बात आप खास ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप हमारा गले वाला भी वीडियो देख सकते हैं, आप चैनल पर विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में है, तो उसमें हम गला किस तरीके से कैसे कटिंग करते हैं कैनवास में और उसे हम किस तरीके से लगाते हैं शूट में वो भी मैंने फुल डिटेल्स में बताया हुआ है, और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी हमारा ऑलरेडी बन चुका है, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो हमारे दूसरे चैनल पर इसका स्टिचिंग का वीडियो अवेलेबल है, हर्षिता ब्यूटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये तो हमारा हो गया पीछे का पार्ट, अभी हम करेंगे इसका आगे का पार्ट कटिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे का पार्ट के लिए हमें यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग है उसमें हमें और एक इस तरीके से एक मार्किंग करना है, और ये वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर भी हमें इसको शेप देनी है। तो यहाँ पे ये हमारा है वो आगे का पार्ट होएगा, ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमारा टक्स आता है एक, तो देखिए यहाँ पर भी हमारा एक टक्स आता है, तो ये इसमें टक्स नहीं है, बल्कि ये अगर आप टक्स लेना चाहते हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उसके लिए थोड़ा कटिंग अलग होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमें कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे टक्स नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा फुगन आता है तो यहाँ पे आप इस तरीके से टक्स आगे की तरफ आएगा, जो ये जो टक्स आएगा वो हमारा आगे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं आएगा, उसके लिए कटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, देखना चाहते हो तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो ये हमारा इतना हो जाने के बाद गला हमें कटिंग नहीं करना, अभी हम इसे
इसके यहाँ से तो हमारी अस्तन निकलेगी, ये तो हमारा सिर्फ आपको अस्तर का कपड़ा है हमारा, मेन कपड़े में जब भी हम अस्तन कटिंग करेंगे तो मेन कपड़े में हम रख के किस तरीके से कटिंग करेंगे, इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताया कि कौन से साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए, कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे, उसमें मैंने फुल डिटेल्स में बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको यहाँ से और यहाँ से और फिर ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उस तरह यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे और ये हमारा चार पल्ला इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको हम हटा देंगे और उसके बाद देखिए ये वाला यहाँ से तो कटिंग हो गया होता, अभी हमें इसको यहाँ से इस तरीके से खींच देना है तो ये हमारा आगे का पार्ट भी कटिंग हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर इसका जो हमारा आगे का गला और पीछे का गले का मार्किंग हमें कैनवास में कटिंग करने के बाद, अगर पीछे का गला है वो 7.5 इंच है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 7 इंच पर ऐसे मार्किंग कर देंगे और आगे का गला है वो हमारा करीबन 6 इंच है, तो यहाँ पर 6 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और फिर हम जो कैनवास होता है उसमें हम गला कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप हमारा कैनवास वाला वीडियो देख लेना और अस्तिन कटिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अलग अलग आर्म होल के हिसाब से अस्तिन किस तरीके से कटिंग होती है और अलग अलग साइज़ के हिसाब से अस्तिन किस तरीके से कटिंग होती है, उसमें मैंने फुल डिटेल्स में बताया हुआ है, तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।